तो दोस्तों अगर आपको 2022 के इस नए साल पर एक बहुत अच्छा सा स्मार्टफोन लेना है वो भी 15,000 रुपए के बजट में, तो 15,000 के बजट में आने वाले नए और सबसे अच्छे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब आपको 15,000 के बजट में 8GB रैम की बड़ी वाला भी स्मार्टफोन मिल जाता है, और 8GB का रैम होना 15,000 वाले स्मार्टफोन में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और इसी के साथ यहाँ आपको 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगा और सुपर एमुलेट डिस्प्ले होगी और 5G नेटवर्क का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप ये स्मार्टफोन 2 से 3 सालों तक आराम से चला सकोगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करें, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर भाई आपको गेमिंग के लिए एक तगड़ा स्मार्टफोन लेना है वो भी 15,000 के बजट में, तो आप लोग खरीद सकते हो Realme 80i 4G को। अगर बड़े भाई आपका बजट 15,000 रुपए ना होकर 14,000 रुपए है और 14,000 में आपको एक तगड़ी परफॉर्मेंस वाली स्मार्टफोन लेना है तो आप लोग Realme 80i को खरीद सकते हो। बट अगर आप लोग अपने बजट में 15,000 से 15,500 तक ले जा सकते हो तो 15,500 के प्लस पॉइंट में आपको ऑलराउंडर स्मार्टफोन मिल जाता है, जिसमें गेमिंग भी आप तगड़ी कर पाओगे और डिस्प्ले भी बेस्ट होगा और कैमरा भी बेस्ट होगा। तो इस कंडीशन में आप Realme 80i को खरीद सकते हो, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले और 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलेगा, जिसके कारण भाई इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ है। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसका प्रोसेसर MediaTek Helio G96 का है, जिसके कारण आप गेमिंग भी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस से कर पाओगे। और इसके फीचर में 2 SIM एक SD कार्ड के साथ साइड में माउंटेड फिंगर लॉक मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरे का, तो इसके बैक में 50MP ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16MP सेल्फी मिलेगी। और इसका कैमरा ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। और इसमें आपको 5000mAh की बैटरी और 18W का चार्जर इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसके 4/64 के लिए आपको 14,000 रुपए देने पड़ेंगे और 6/28 के लिए आपको 15,200 रुपए देने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन की। अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है 15,000 के बजट में, तो आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन का ऑप्शन अवेलेबल है और इसका नाम है Samsung Galaxy M32 4G, नो डाउट। अगर आपको चाइनीज फोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं तब आप 15,000 के बजट में इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको डिस्प्ले, कैमरा एंड बैटरी इन तीनों के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिलेगी। और अच्छी बात तो ये है यहाँ आपको 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलेगा। Samsung का सुपर एमुलेट डिस्प्ले है तो क्वालिटी यहाँ आपको काफी कमाल की मिलेगी। और साथ ही इस स्मार्टफोन के अंदर लगा है MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर। भाई ये स्मार्टफोन कभी कभार गेमिंग के लिए अच्छा रहेगा, बट हाई लेवल की गेमिंग आप इससे नहीं कर पाओगे, पर टेम्पल रन जैसे गेम को इस स्मार्टफोन के अंदर आराम से खेल पाओगे। डेली नॉर्मल यूजेज के लिए तो ये स्मार्टफोन काफी बेस्ट रहेगा। हाँ, अगर इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek Helio G90 का प्रोसेसर होता तो ये स्मार्टफोन नंबर टॉप पर होता। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फीचर के बारे में। तो आप इस स्मार्टफोन में 2 SIM और 1 SD कार्ड स्पेस है, सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा। और भाइयों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको अलग से नॉक्स सिक्योरिटी मिल जाती है, तो आपके डाटा को सेफ रखेगा। अगर आपको सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है 15,000 के बजट में, तब भी ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो इसके बैक में 64+8+2+2 MP का वाइड कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको नोच वाली 20MP की सेल्फी मिलेगी। भाई कैमरा इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा है, काफी अच्छे से डिटेल्स को कैप्चर कर लेता है एंड लो लाइट और डे लाइट दोनों के अंदर काफी अच्छे कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बैटरी की। इस स्मार्टफोन में बैटरी नहीं 6000 का बैटरा लगा है, जिसको चार्ज करने के लिए 15W का छोटा सा चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। इसके 4/64 के लिए आपको Amazon पर 14,999 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये रही आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फोन की।
अगर आप लोग अपने बजट को 15 से 16,000 तक ले जा सकते हो और इस प्राइस में आपको तगड़ी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन लेना है, तब आप लोग इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हो जिसका नाम है Redmi Note 11T 5G। चलिए अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की। तो इसमें आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी और 9 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। भाई यहाँ आपको डिस्प्ले काफी जबरदस्त मिलती है और साथ ही आपको इस स्मार्टफोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस एकदम टॉप लेवल की मिलती है क्योंकि इसमें लगा है MediaTek Dimensity 810 का तगड़ा वाला प्रो चिपसेट। और भाई 16,000 के बजट में आपको इसके टक्कर का परफॉर्मेंस किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगी। और भाई ये स्मार्टफोन 11 5G बैंड को सपोर्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं कैमरा की। तो इसके बैक में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। इसका कैमरा काफी डिसेंट है। चलिए अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। तो इसमें आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है और सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक, एंड इसमें 2 स्पीकर लगे हैं जो आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा। इसमें 5000 mAh की बैटरी लगी है और 33 W का चार्जर इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसके 664 के लिए आपको 16,000 रुपए देने पड़ेंगे और 16,000 के इसके टक्कर का परफॉर्मेंस अभी के टाइम पर किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगी। नेक्स्ट फोन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए नेक्स्ट फोन देखते हैं। अगर भाई आपको 15,000 के बजट में 8GB की बड़ी रैम वाला स्मार्टफोन लेना है, तब आप लोग खरीद सकते हो Infinix Hot 11S को। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 15,000 के बजट में 8GB की बड़ी रैम मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की। तो इसमें 6.9 इंच का फुल HD का बड़ा डिस्प्ले लगा है। भाई इसका डिस्प्ले काफी बड़ा है जिससे आपको गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट। इसमें डायनोरेक्स T2X1 का ग्लास प्रोटेक्शन है। भाई डिस्प्ले इसका काफी जबरदस्त है, काफी अच्छे से कलर से इसकी डिस्प्ले में मिल जाएगी। एंड इस स्मार्टफोन के अंदर लगा है MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर जो गेमिंग में आपको काफी तगड़ी लेवल के परफॉर्मेंस का मजा देगा। यहाँ आपको सिक्योरिटी के लिए साइड वाला लॉक मिलेगा और 2 SIM एक SD कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसके बैक में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाती है। इसमें अच्छी बात तो ये है कि इसके बैक और फ्रंट कैमरा से 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 33 W का बड़ा चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसके 8/28 के लिए आपको 5999 रुपए देने पड़ेंगे। यदि आप कोई कार्ड वगैरह अप्लाई करके इस स्मार्टफोन को 15,200 रुपए की कीमत में खरीद सकते हो। चलिए अब लास्ट फोन देखते हैं। अगर आप 15,000 के बजट में एक नया और अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहते हो, वो भी 5G स्मार्टफोन, तो मेरे हिसाब से आपके लिए Moto G51 5G बेस्ट रहेगा क्योंकि ये स्मार्टफोन 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। चलिए अब बात करते हैं इसके स्पेस की। इसमें आपको 6.8 इंच की फुल HD वाली डिस्प्ले मिलेगी, बट यहाँ आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और भाई इसके डिस्प्ले में नेगा ग्लास की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के ताकत को। तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 480 प्लस का चिपसेट जिसका अतूत स्कोर 3,20,000 के प्लस है। और इस स्मार्टफोन के अंदर आप हाई सेटिंग में गेमिंग कर पाओगे। और भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये स्मार्टफोन 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है और इतने सारे 12 5G बैंड सपोर्ट आपको 20,000 से 25,000 वाले स्मार्टफोन में मिलता है। सिक्योरिटी के लिए साइड लॉक मिलेगा और इस स्मार्टफोन में आपको अलग से थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसकी बैटरी आपको 5000 mAh की मिल जाएगी और 20 W का चार्जर इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसके 464 के लिए आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई अगर आपको 15,000 के बजट में फुल्ली फ्यूचर 5G स्मार्टफोन लेना है, तब आप लोग Moto G51 5G खरीद सकते हो। जन आप लोगों का है कि आप लोग अपनी पसंद और बजट के हिसाब में से किसी भी स्मार्टफोन को खरीद सकते हो। तो भाई अगर मुझे इन स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन खरीदना होता तो मैं Redmi Note 11 5G को परचेस करता। अब आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेस करोगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए भाई आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अन्य धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।